नमस्कार, प्रणाम, आदाब आप सभी को। फिर से हम 100 एमसीक्यू लेकर आए हैं इस वीडियो में। जैसा कि पिछले चार वीडियो में 400 एमसीक्यू भेज चुका हूं, दो बिहार से संबंधित लेक्चर और एक बिहार संगीत से संबंधित एमसीक्यू। अगर आप लोग नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो उस वीडियो को भी देख लीजिए। जितने भी पिछले 100 एमसीक्यू का सीरीज गया है, टेस्ट सीरीज 1, 2, 3, 4, उसको देख लीजिए। ये आपका पांचवा सीरीज है, ठीक है। साथ ही अभी तक चैनल के जितने वीडियो है आप सभी लोग नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम आ चुका है और प्रत्येक जो वीडियो है बेहद ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, ठीक है। जिसमें मैंने जो पहले जो प्रीवियस ईयर्स में पिछले एग्जामों में बीपीएससी फर्स्ट, बीपीएससी सेकेंड, मतलब 3-1, 3-2 के जो एग्जाम हुए थे, उसका जो मॉडल टेस्ट था, मॉडल पेपर था या जो पेपर हुआ था, उसका भी सारा मैंने उस पर करा दिया है, ठीक है। साथ ही जो स्टेट का पेपर है उसका भी मैंने पिछले वीडियो में सारा करा दिया है, ठीक है। तो प्रत्येक वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, एक एक वीडियो, वो भले ही 3-1 है, 3-2 है, स्टेट 1, स्टेट 2, इस तरह से है। सारे जो वीडियो है, सारे एमसीक्यू, सारे लेक्चर आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो एक बार फिर अगर नहीं देखे तो मैं बता दे रहा हूं कि सारा वीडियो देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ठीक है। चलिए, कुछ सिलेबस में चेंजेज हुए हैं जिसको मैं कवर करने का कोशिश कर रहा हूँ। 2-3 वीडियो डाल चुका हूँ जो नया बिहार से संबंधित आया है, एक दो और टॉपिक है, ठीक है। अभी थोड़ी सी परीक्षा में ड्यूटी लग गई है, यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटर की परीक्षा चल रही है निरीक्षक के रूप में, तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है और थोड़ा सा तबीयत भी खराब चल रही है अभी इस समय तो, और दिक्कत थोड़ी सी है अभी, वाईफाई की भी थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, तो इस कारणों से मैं डेली वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ और नहीं लाइव आ पा रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल बहुत सारे मैटर वीडियो में पड़े हुए हैं चैनल पे, साथ ही और भी बहुत सारे चैनल है, गूगल है, किताब है, तो मेरे भरोसे आप लोग बहुत ज्यादा रहते हैं तो मेरे भरोसे उतना मत रहिए, ठीक है। आप लोग जो तैयारी करनी है, बहुत कम समय है, अपने से, अपने आप सेल्फ स्टडी करके तैयारी करते रहिए, ठीक है। चलिए, आज भी हम लोग 100 एमसीक्यू देखेंगे और ये एमसीक्यू गायक, जो शास्त्रीय गायक है, जो घराने हैं और रागों के जो थाट है, वादी संवादी, यानी कि राग, घराना और गायक से संबंधित ग्रंथ से संबंधित इसमें चार प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं और 100 नंबर का ये मॉक टेस्ट है, कितना नंबर आ रहा है बताइएगा। एक चीज मैं और बताता हूँ कि बहुत सारे वीडियोज में, एमसीक्यूज में 2-3 क्वेश्चन ऐसा लगता है कि गलत है, आप लोग कमेंट्स भी करते हैं, तो मैं भी आप ही सभी की तरह गूगल से, किताबों से, कहीं से मटेरियल कलेक्ट करता हूं और उसी के हिसाब से मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। मैंने उसको जैसे मान लीजिए कि मैं ही उसका राइटर तो हूं नहीं, तो जो किताबें बताती हैं, जहां से जो मैटर मिलता है उसको मैं करने का कोशिश करता हूं। और ये होता है कि पहली बार किसी किताब से मैंने देखा, पढ़ा, उसको ही लिखवा दिया और अलग किताबों में अलग है, कई जगहों पे अलग है, तो ऐसा हो जाता है। तो एक दो क्वेश्चन इस तरह से होते हैं, इसके लिए कमेंट्स भी करते हैं, मैं देखता भी हूं, तो इसको माइंड ना लीजिए आप लोग, ठीक है। उसको आप लोग खुद से ही सर्च करके उसको प्रमाणित कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, कहाँ कहाँ पे सही है। और सही होने का प्रमाण ऐसे हम लोग देते हैं जहाँ पे संख्या बल ज्यादा होता है, कहने का मतलब है कि कई जगहों पे एक ही चीज लिखा रहता है तो उसको हम सही मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा आप लोग भी उसको देख सकते हैं, गूगल से सर्च कीजिए, कहीं वीडियो में, कहीं किताबों में, अगर एक ही जगह पे वो बातें कई जगह लिखी हुई है तो वो सही हो जाएगी, और एक जगह पे वो बातें लिखी हो तो हो सकता है गलत हो। तो ऐसा नहीं है, मैं भी कई बार वीडियो में, लेक्चर में, एमसीक्यू में कहीं कहीं पे ये बताता हूँ, कहीं कहीं पे वो बता देता हूँ, तो कहीं दूसरे जगह से मैटर मिलता है, दिमाग पे नहीं रहता है, तो कहीं कहीं पे मिसफॉल्ट हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम गलती नहीं करते हैं, और आप लोगों का
भरोसा विश्वास रहता है कि सर गलत नहीं बताएंगे और मैं जो कहता हूँ आप लोगों को लगता है कि सही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग को भी अगर लग रहा है कि गलत है ये क्वेश्चन, तो उसको आप लोग खुद से सही कर सकते हैं, देखकर अपना सही कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, और कमेंट्स भी करते हैं, मैं बताता हूँ, अपने स्तर से बता देता हूँ, लेकिन चाहे तो आप लोग अपने स्तर से उसको सही है कि गलत है जांच सकते हैं, ठीक है? चलिए, बातें होंगी, अभी थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत है। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए देखते हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म कब हुआ? 1862, 1880, 1905, 1975, ठीक है? पहला क्वेश्चन है आपके अलाउद्दीन खान जी से, तो इनका जन्म 1862 में हुआ था, ठीक है? पहला का ए सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट देखेंगे। उस्ताद अलाउद्दीन खां किसके लिए प्रसिद्ध थे? नृत्य, सितार, सरोद वादन, तबला वादन। वैसे तो ये सब कुछ बजाते थे, लेकिन विशेषकर ये सरोद वादन के लिए बेहद प्रसिद्ध थे, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर पन्नालाल घोष के गुरु कौन थे? ओमकारनाथ ठाकुर, विष्णु दिगंबर, फयाज खां, अलाउद्दीन खां। तो पंडित रविशंकर और पन्नालाल घोष के गुरु कौन थे? तो इसमें डी सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खां थे, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ ठीक है, चल रहा है। उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म किस गांव में हुआ? रामपुर, एटा, शिवपुर, मझोस। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा शिवपुर, ठीक है? इनका जो जन्म हुआ शिवपुर गांव में हुआ था, ठीक है? पंडित राम चतुर मलिक का जन्म कब हुआ? यहाँ पे राम चतुर मलिक का जन्म गया 1905, 1902, 1990, 1907। तो इनका जन्म कब हुआ? 1902 में, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन, ये किस घराने के संस्थापक थे? ये किस घराने के, यानी कि पंडित राम चतुर मलिक किस घराने के संस्थापक थे? दरभंगा बिहार घराना, पटियाला घराना, उत्तर प्रदेश घराना, मैहर घराना। तो ये दरभंगा बिहार घराने से संबंधित थे पंडित राम चतुर मलिक। सात नंबर क्वेश्चन, पंडित राम चतुर मलिक का मृत्यु कब हुई? 1990, 1960, 1980, 1965। तो इनका जो मृत्यु हुई 1990 में हुआ, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। पंडित राम चतुर मलिक को पद्म श्री पुरस्कार कब मिला? 1990, 1950, 1970, 1985। तो इनको पद्मश्री जो है 1970 में मिला, ठीक है? कब मिला? 1970 में। आइए अगला क्वेश्चन, पंडित राम चतुर मलिक किस विधा के लिए जाने जाते हैं? ध्रुपद, ठुमरी, ख्याल, चैता। तो ये विशेषकर ध्रुपद गायक के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? सारंगदेव, भरत, अहोबे, मतंग। तो नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? वो है भरत, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये मिश्रित क्वेश्चन है, इसमें चार पांच प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चनों में। नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? 32, 40, 33, 36, ठीक है? तो ये क्वेश्चन हो जाए, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है? 36 अध्याय है नाट्य शास्त्र में। रस और भाव के बारे में किस अध्याय में चर्चा हुई है? 5, 6, 7, 10, 12। तो ये 6 और 7 अध्याय में रस और भाव का अध्ययन किया गया है। भरत ने सड़ज और मध्यम ग्राम की कितनी जातियां बनाई है? 2, 15, 6। तो इन्होंने दोनों को मिलाकर इन्होंने 18 जातियां बनाई है, ठीक है? 11 और 7। यहाँ पे चलिए, भरत ने औनदवादियों का वर्णन किस अध्याय में किया है? 30वें अध्याय, 33वें अध्याय, 29वें अध्याय, 32वें अध्याय। तो इन्होंने 29वें अध्याय में औनदवादियों का अध्ययन किया है। संगीत रत्नाकर की रचना किसने किया है? सारंगदेव, मतंग, भरत, लोचन। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, सारंगदेव ने किया है, ठीक है? एक बार और आप लोग को याद दिला दे, संगीत रत्नाकर किस शताब्दी में लिखी गई, ठीक है? 13वीं, 20वीं, 18वीं, 5वीं। तो ये 13वीं शताब्दी में माना जाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? 7, 6, 8, 5। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा 7, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, सप्ताधायी किसको कहा जाता है? नाट्यशास्त्र, संगीत परिजात, संगीत रत्नाकर, बृहदेशी। तो ये भी आप लोग जानते हैं, संगीत रत्नाकर को सप्ताध्यायी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 7 अध्याय है।
संगीत रत्नाकर के सातवां अध्याय किससे संबंधित है? राग ताल प्रकीर्ण और नृत्य, तो सातवां अध्याय नृत्यनाध्याय है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये बृहदेशी की रचना कब हुई? 6वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी। तो बृहदेशी की रचना जो हुई है वो हुई है 6वीं शताब्दी। ठीक है, ये अलग अलग दिखाता है। ठीक है, 6वीं शताब्दी इसमें मैं मान रहा हूं। बृहदेशी की रचना कब हुई, तो कई किताबों में अलग अलग दिखाता है, इसमें 6वीं शताब्दी देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बृहदेशी के लेखक कौन है? मतंग, भरत सारंगदेव, भरत अहोबल। तो बृहदेशी किनके द्वारा लिखा गया है? मतंग के बृहदेशी। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, रागों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बृहदेशी संगीत रत्नाकर नाट्य शास्त्र राग तरंगिणी, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? सर्वप्रथम उल्लेख की बात आए तो बृहदेशी। ठीक है, ए रागों का सर्वप्रथम उल्लेख बृहदेशी में, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से एक प्रसिद्ध संगीत संस्कृत ग्रंथ है, संगीत रत्नाकर, बृहदेशी, राग तरंगिणी, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा संस्कृत ग्रंथ जो है बृहदेशी है। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं, राग तरंगिणी के लेखक कौन है? भरत, मतंग, कविलोचन, अहोबल। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा राग तरंगिणी, ये है, ये हो जाएंगे राग तरंगिणी के लेखक जो है भरत, मतंग, कवि लोचन, राग तरंगिणी, तो इसके कवि लोचन हो जाएंगे। ठीक है, यहां आए, राग तरंगिणी किस शताब्दी में लिखी गई? 15वीं, 8वीं, 18वीं, 19वीं, 14वीं, तो ये हो जाएगा 14वीं शताब्दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोचन कवि कहाँ के निवासी थे? उत्तर प्रदेश, एटा, वृंदावन, मिथिला, तो ये मिथिला के निवासी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12 जनक मेलथाट का प्रचार किया, लोचन, मतंग, अहोबल, भरत। ठीक है, 12 जनक मेल, तो इनका प्रचार लोचन ने किया है। ठीक है, यहां देखिए, राग दरबारी कनाड़ा के रचनाकार किसको माना जाता है? बैजू बाबरा, तानसेन, अमीर खुसरो, नथु खा। तो राग दरबारी के जो रचनाकार है वो तानसेन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दरबारी किस अंग का राग है? मल्हार, कनाड़ा, तोड़ी, कोई नहीं, तो दरबारी जो है कनाड़ा अंग का राग है। ठीक है, फटाफट देखते हैं, आइए यहाँ पे देखेंगे, दरबारी कनाड़ा का गायन समय क्या है? मध्य रात्रि, दोपहर, शाम। दरबारी कनाड़ा मध्य रात्रि में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राग दरबारी का वादीश्वर क्या है? रे, प, मा, सा। राग दरबारी का वादीश्वर रे है। ठीक है, यहाँ पे चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 31 नंबर, राग मालकुंज का थाट क्या है? सावरी, भैरव, भैरवी, खमार। तो राग मालकुंज का जो थाट है वो है भैरवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, राग मालकुंज का वादीश्वर क्या है? मा, प, स, धा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मा। ठीक है, वादी मा है। यहाँ पे आइए, राग मालकुंज दक्षिण भारत के किस राग के समान है? हिंडोलम, यमन कल्याण, गमन प्रिया, तो ये हो जाएगा हिंडोलम। ठीक है, राग मालकुंज दक्षिण भारत के हिंडोलम के समान है। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राग मालकुंज का गायन समय क्या है? सुबह, शाम, दिन का दूसरा प्रहर, रात्रि का तीसरा प्रहर, तो ये सही हो जाएगा, रात्रि का तीसरा प्रहर हो जाएगा। यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन, राग मालकुंज का संप्राकृतिक राग है? बिलावा, चंद्रकुंज, शंकरा, इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा चंद्रकुंज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मालकुंज किस जाति का राग है? औड़ो, औड़ो, संपूर्ण, साड़ो, औड़ो, संपूर्ण, तो ये औड़ो, औड़ो जात का राग है। ठीक है, इसमें मा और नी वर्जित है, सॉरी क्या मालकुंज पूछ रहा है ना, सा, ग, म, ध, नि, सा, रे और पा वर्जित है। ठीक है, सॉरी मैं भोपाली बता दिया। यहाँ पे आइए, राग जौनपुरी का थाट क्या है? मारवा, कल्याण, असावरी, तो राग जौनपुरी का थाट जो है असावरी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राग जौनपुरी का वादीश्वर क्या है? ध, म, ग,
पा, तो राग जौनपुरी का जो है वो हो जाएगा गंधार। ठीक है, यहां दिया है राग जौनपुरी का गायन समय क्या है, रात्रि का प्रथम प्रहर, दिन का दूसरा प्रहर, प्रातः काल, शाम। ठीक है, क्या दिया है, रात्रि का प्रथम प्रहर, दिन का दूसरा प्रहर, प्रातः काल और शाम। ठीक है, तो ये हो जाएगा दिन का दूसरा प्रहर। ठीक है, यहां दिया राग बहार का थाट क्या है, मारवा काफी कल्याण तोड़ी, तो राग बहार का थाट जो होता है वो होता है काफी। अगला क्वेश्चन 41, निम्न में से कौन सा, ये गड़बड़ है क्वेश्चन ही नहीं पता है। आइए 42 नंबर, राग बहार का गायन समय क्या है, दोपहर, शाम, दिन का दूसरा प्रहर, मध्य रात्रि। राग बहार जो है ये मध्य रात्रि में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राग बहार को किस ऋतु में गाया जाता है, सावन, पतझड़, बसंत, वर्षा, तो ये बसंत बहार। ठीक है, गाना सुने हैं ना, पतझड़ सावन बसंत बहार वाला, ये आइए। शुद्ध कल्याण किस किन दो रागों का मिश्रण है, कल्याण भोपाली, भैरव तोड़ी, कल्याण मालकोन, इनमें से कोई नहीं, तो शुद्ध कल्याण जो है कल्याण और भोपाली का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सारंग का थाट क्या है, भैरव, मारवा, कल्याण, पूर्वी, तो सारंग का थाट जो है वो हो जाएगा कल्याण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गौड़ सारंग में प्रयोग होता है, दोनों मध्यम, दोनों गंधार, दोनों धैवत, कोई नहीं, तो इसमें आपका दोनों मध्यम प्रयोग किया जाता है। यहां दिया है गुंद गुंद लाओ रे मालनिया, किस राग की बंदी से, काफी, बागेश्वरी, यमन, देसी, तो ये हो जाएगा आपका देसी। ठीक है, क्या होगा, देसी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राग देसी का गायन समय क्या है, दिन का दूसरा प्रहर, रात्रि का प्रथम प्रहर, प्रातः काल, सायंकाल, तो इसमें हो जाएगा राग देसी का जो गायन समय है वो हो जाएगा आपका दिन का दूसरा प्रहर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, राग देसी का थाट क्या है, तो वो हो जाएगा असावरी, इसमें दो ही ऑप्शन दिया है। अगला क्वेश्चन, हमीर राग किस रस की गायकी है, वीर व चंचल, चंचल, गंभीर, कोई नहीं, तो ये वीर और चंचल प्रकृति की राग होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 51 नंबर, हमीर राग किस थाट का राग है, कल्याण, मारवा, तोड़ी, पूर्वी। ठीक है, हमीर राग पूछ रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा कल्याण। यहाँ पे देखिए, पुरिया धनाश्री का थाट क्या है, पूर्वी, मारवा, तोड़ी, कल्याण, तो पुरिया पूर्वी से। ठीक है ना, पूर्वी हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया है पुरिया धनाश्री का वादी स्वर क्या है, प, सा, म, ध, तो पुरिया धनाश्री का वादी स्वर प होता है, याद रखिएगा, प से पुरिया, प से धनाश्री, प। मियां मल्हार किस थाट का राग है, काफी, खमाज, मारवा, तोड़ी, तो मियां मल्हार जो थाट है वो है काफी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 55 नंबर, निम्न में से मियां मल्हार की संगति है, रेपा, नी, रे, स, ध, प, रे, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा रेपा। ठीक है, रेपा जो है मियां मल्हार की स्वर संगति है। मल्हार राग कब गाया जाता है, शरद ऋतु में, वर्षा ऋतु में, गर्मी में, बसंत में, तो ये वर्षा ऋतु में मल्हार गाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रूपक ताल की खाली किस मात्रा पर पड़ती है, पहली मात्रा, तीसरी मात्रा, पांचवी मात्रा, सातवीं मात्रा। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका रूपक ताल की खाली जो है पहली मात्रा पर पड़ती है। ठीक है, कहीं कहीं पे सम भी दिखाते हैं, एक ताल में कितने विभाग होते हैं, दो, चार, छह, पांच, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा छह। ठीक है, एक ताल में छह विभाग होते हैं, दो दो मात्राओं के। अगला क्वेश्चन, पंचम सवारी ताल में कितने मात्रा होती है, तो पांच, दस, पंद्रह, सोलह, इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा पंद्रह, पंचम सवारी में पंद्रह होता है, ये भी कई बार पूछा है, आप लोग जान भी गए होंगे। गजझंपा कितने मात्रा की ताल है, चौदह, पंद्रह, सोलह, अठारह, ये भी पंद्रह मात्रा की ताल है गजझंपा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ ख्याल गायकी के साथ कौन सा ताल नहीं बजाया जाता है, एक ताल, तीन ताल, चार ताल, धप ताल, तो यहाँ पे चार ताल जो है ये ध्रुपद का ताल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीन चार, तीन चार विभाग का किस ताल में है, झुमरा, दादरा, कहरवा, तीन ताल, तो इसमें जो विभाग है चौदह मात्रा का, तीन चार, तीन चार, वो झुमरा ताल हो जाएगा। एक ताल में खाली कौन सी मात्रा पे है, एक, तीन, चार, छ, तीन, सात, छ, तीन, सात, तो ये हो जाता है तीन और सात पे खाली। ठीक है, निम्न में से कौन सी ताल बेमेल है, शूल, झप, रूपक, तिवरा, तीन ताल, तिलवाड़ा, लक्ष्मी, गणेश,
तो यहाँ पे आपका शूल झप रूपक तिवरा तीन ताल तिलवाड़ा, यहाँ पे लक्ष्मी और गणेश, ठीक है। लक्ष्मी और गणेश में अलग अलग मात्राएं होती हैं, ठीक है। 18 और 21 यहाँ पे देखिए आड़ की लयकारी कौन वो कैसे दिखाते हैं, 3/2, 5/4, 7/3, 7/4 तो आड़ की लयकारी को 3/2 से दिखाते हैं, ठीक है ना। यहाँ दिया है निम्न में कौन कुआड़ की लयकारी को दिखाता है, इसमें 7/4, 5/4, 3/4, 6/4 तो क्या पूछ रहा है, आड़ कुआड़ को क्या कहेंगे, सावागुण, ठीक है ना, ये 5/4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7/4 किस लयकारी को दिखाता है, आड़ कुआड़ बियाड़ द्वार, तो ये हो जाएगा बियाड़, आड़ कुआड़ बियाड़, बियाड़ हो जाएगा, ठीक है ना। आड़ के लिए 3/2, कुआड़ के लिए 5/4 और बियाड़ के लिए 7/4 होता है, ठीक है। तो आइए 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस राग किस स्वर लिपि पद्धति में गणित अंकों का प्रयोग किया जाता है, सोल्फा, चिह्न नोटेशन, स्टाफ नोटेशन, न्यूमस, ठीक है, तो चिह्न में किया जाता है, ठीक है ना। 68, ठीक है, ये चिह्न नोटेशन में गणित के अंकों का प्रयोग होता है। शुद्ध कल्याण का संप्रकृतिक राग कौन सा है, भोपाली, पूर्वी, तोड़ी, मारवा, तो वो हो जाएगा भोपाली, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, गरबा कहाँ का प्रसिद्ध लोकगीत है, गुजरात, बिहार, मुंबई, राजस्थान, तो ये भी आप लोग जानते हैं गुजरात, ग से गरबा, ग से गुजरात। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मांड कहाँ का प्रसिद्ध गायन शैली है, गुजरात, बिहार, झारखंड, राजस्थान, तो ये है राजस्थान का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे झूमरी कहाँ का लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, दिल्ली, तो ये हो जाएगा बिहार, ठीक है, कहाँ हो जाएगा, बिहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लावणी कहाँ का लोकगीत लोकप्रिय गीत है, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, गुजरात, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचम की आंदोलन संख्या क्या है, 204, 360, 270, 300, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा 360। अगला क्वेश्चन क्या है, सा की आंदोलन संख्या क्या है, 204, 300, 360, 320, तो इसमें हो जाएगा 240, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 76 नंबर, अभिनव भारती के लेखक कौन है, भरत, दत्तिल, अभिनव गुप्त, कलीनाथ, तो इसमें हो जाएंगे अभिनव गुप्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राग दर्पण के लेखक कौन है, डॉक्टर महेश सक्सेना, ओंकारनाथ, फकीरुल्ला, भरत, तो इसमें आ जाएंगे आपके फकीरुल्ला, ठीक है। यहाँ दिया है संचारी भावों की संख्या है 23, 13, 33, 43, तो संचारी भाव जो है वो है 33, ठीक है। आइए यहाँ पे देखते हैं, पंचम वेद किसे कहते हैं, साम वेद, ऋग वेद, यजुर्वेद, नाट्यशास्त्र, तो ये नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहते हैं। यहाँ देखिए, वीणा के तार पर घुड़च से ऋषभ की दूरी कितने इंच की होती है, 2 इंच, 4 इंच, 34 इंच, 32 इंच, तो ये 32 इंच माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, संगीत रत्नाकर किस शताब्दी में लिखा गया, 13वीं, 14वीं, 17वीं, 18वीं, तो ये 13वीं शताब्दी में लिखा गया है, शायद ये क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं एक दो। सप्तधाई किसको कहते हैं, तो इसमें संगीत रत्नाकर हो जाएगा, ये एक दो बार क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। चलिए यहाँ पे नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं, तो ये है 36, ठीक है, ये भूल बस फिर से आ गया। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 5, 4, 3, 6, ये क्वेश्चन आया था, तो वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, अस्थाई, ठीक है, उसके बाद आरोही, अवरोही और संचारी, ठीक है, ये 4 वर्ण होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गमक किसमें होता है, तबला, नृत्य, गायन, कोई नहीं, तो गमक जो होता है वो होता है गायन में, ठीक है ना, जो कंपन होता है उसको गमक कहते हैं। लय की कितने प्रकार है, 3, 2, 4, 5, तो 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, मध्य लय, विलंबित लय, द्रुत लय। 87 नंबर, पखावज का प्रयोग किस गायन में होता है, छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, ध्रुपद, धराना, तराना, तो ये ध्रुपद में पखावज का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे दिया है गमक संबंधित है, तारता से, तीव्रता से, कंपन से, इनमें से कोई नहीं,
तो गमक जो है संबंधित है वो कंपन से है, ठीक है। विशेष प्रकार के कंपन को गमक कहते हैं। गमक के 15 प्रकार होते हैं। राग भीमपलासी की स्थाट का राग है, काफी, मारवा, असावरी, तोड़ी, ठीक है। क्या दिया है? राग भीमपलासी किस थाट का राग है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका काफी, ठीक है ना। भीमपलासी जो है काफी थाट का राग है। पांच दो तीन चार, ये किस ताल को दर्शाता है? झप ताल, रूपक ताल, तीन ताल, धमार ताल। तो सही ऑप्शन हो जाएगा धमार ताल, ठीक है। धमार ताल में अलग अलग मात्राएं होती हैं अलग अलग विभागों में। धमार गायन शैली का अन्य नाम है ठुमरी, टप्पा, होरी, ख्याल। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा होरी, ठीक है ना। होरी जो है धमार को ही कहते हैं। ध्रुपद की कितनी वाणियां होती है? चार, पांच, छह, दस। तो वो होती है चार वाणी, सभी लोग जानते हैं। तानसेन की वाणी कौन सी है? खंडहार, नौहार, गोबरहार, डागुर। तो इनकी वाणी याद रखिएगा, ये है गोबरहार वाणी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संगीत में अलंकार के लिए प्रयुक्त होने वाला पर्यायवाची है कायदा, टुकड़ा, पलटा, परन। तो इसको पलटा कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब्दुल करीम खा किस घराने से संबंधित है? दिल्ली, आगरा, किराना, वाराणसी। तो करीम खा सीधे आपका किराना से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे दिया है, पंडित रविशंकर के गुरु का नाम क्या है? फयाज खा, गुलाम अली, अलाउद्दीन खा, गुदई महाराज। तो ये है अलाउद्दीन खां, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, फयाज खां किस घराने से थे? आगरा, किराना, दिल्ली, ग्वालियर। तो ये आगरा घराने से थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 98 नंबर, निम्न में से संधि प्रकाश राग है, पुरिया, मालकोंस, दरबारी, जौनपुरी। तो ये हो जाएगा पुरिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, अर्धदर्शक स्वर कौन सा है? इसको मैं बार बार बताया हूँ, क्वेश्चन कई बार आया है, म को, प को, ध को, नी को। ये हो जाएगा म, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, लास्ट 100 नंबर, तानपुरा में कितने तार होते हैं, ठीक है। चार, छह, पांच, सात। तो तानपुरे में चार तार होते हैं, ठीक है ना। मर्दों में दो तार पीतल के होते हैं, पहले और चौथा बीच वाला लोहे का होता है, और स्त्रियों में एक तार पीतल का और तीन तार लोहे का होता है, ठीक है। कैसे मिलाया जाता है तनपुरे का अध्ययन में आप लोग वीडियो में पिछले वीडियो में डाला हूँ, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोगों ने 100 MCQ देखे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस 100 क्वेश्चन में कितना नंबर आपने सही किया इसको आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अपनी पढ़ाई अपने तरीके से सेल्फ स्टडी के माध्यम से आप लोग करते रहिए, ठीक है। और मैं थोड़ा सा इस समय बिजी हूँ एग्जाम को लेकर बच्चों को, तो थोड़ा सा आप लोग स्वयं से सेल्फ स्टडी नोट्स बनाइए और पढ़ाई एकदम जारी देखिए, अच्छे से मन लगाकर पढ़िए, जितना हो मेहनत करिए, क्योंकि मौका बार बार मिलते नहीं है। तो जितना अपने तरीके से और जितना हो सके अपना आप लोग पूरा प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।